Namaste to all. So here I am again with my new video, as I promised you that we will be starting chapter wise preparation for the military nursing exam. Before starting, have a look what all subjects we are going to cover. So pehla subject jo hum karne wale hain wo hai English. Uske baad hum karenge biology, then physics, then chemistry and last mein hum log karenge general knowledge. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा अपना इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर जो कि है आर्टिकल के बारे में. हम सब अपनी जूनियर क्लासेस पे पढ़ते आए हैं कि हमारे जो तीन वर्ड्स होते हैं ए, एन और डा, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स. तो जितने भी हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लाइक ए, एन एंड डा आर कॉल्ड आर्टिकल्स. अब आर्टिकल्स भी दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज इंडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें हमारे दो आर्टिकल आते हैं, दैट इज ए एंड एन. And then is definite article, जिसमें हमारा da आता है. Let us first discuss about indefinite article, that is a and n. The indefinite, first of all, let me clear what is indefinite article. Indefinite articles वो होते हैं जो जिनको हम अनिश्चित noun के आगे, the noun that is not specific. यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में स्पेशली बात ना करें, बस एक जनरल टर्म में या रैंडमली बात करते हैं, ऐसे आर्टिकल्स को हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एन. द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल साउंड. इट मींस जो एन आर्टिकल है, हम उसे हमेशा ऐसे नाउन के आगे, ऐसे वर्ड के आगे लगाएंगे जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी साउंड दे? वोवल की साउंड दे. लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल. First is an umbrella is kept there. Here, when we pronounce umbrella, umbrella, a is a sound of vowel. Therefore, we have put n before umbrella. Second is n r is left. Here, h is not a vowel. Read it carefully. R, h o u r r. Here, h is not a vowel, but when we pronounce it, it gives the sound of vowel. लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो ये हमें कैसी साउंड देगा या कैसी आवाज देगा? एक वोवल की आवाज देगा. इसीलिए हमने आर के आगे एन का यूज किया है. सेकेंड, ए के बारे में बात करेंगे. द आर्टिकल ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अब ए वर्ड जो आर्टिकल है वो ऐसे वर्ड ऐसे नाउन्स के आगे यूज किया जाएगा जो हमें कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, A European lives in our country. Here, European, where E is the first letter, it's a vowel. But when you pronounce European, it do not give the sound of vowel. जब हम European को pronounce करेंगे तो वो हमें किसी vowel की आवाज नहीं देगा. जब हम European बोलेंगे तो वो य की sound देगा, जो कि एक consonant sound है, vowel sound नहीं है. Same as in second example, Meerut has a university. Meerut has a university. When we pronounce university, जब भी हम university को pronounce करने की कोशिश कीजिए, university. University जब हमने pronounce किया तो y की sound आई, that is a sound of consonant. Therefore, we are using a before university. Let us now discuss some uses of indefinite articles. तो हम इन इंडेफिनेट आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. हमारा पहला पॉइंट है बिफोर अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर टू सजेस्ट द सेंस ऑफ वन. हम इसे कहाँ यूज करेंगे? कॉमन नाउन के आगे यूज करेंगे. अब ये कॉमन नाउन क्या होता है? व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड. कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो कि हम किसी भी पर्सन को या थिंग को देते हैं जो कि एक सेम क्लास या सेम काइंड से बिलोंग करते हैं. वहाँ पे पर्टिकुलर नाम की बात नहीं होती, वो हम कॉमनली सबको ही वो बुलाते हैं. जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयज और गर्ल्स, गर्ल कैन बी एनी गर्ल, वी आर नॉट सेइंग एनी नेम. देयरफॉर दीज आर कॉमन नाउन. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड. अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड. हियर मैन इज अ कॉमन नाउन बिकॉज मैन कैन बी एनी वन. हियर इज नेम इज नॉट मेंशन. Therefore, before man we are using a. Man के आगे हम a use करेंगे क्योंकि ये common noun है जो किसी का नाम नहीं है, इसीलिए हमने man के आगे a का use किया है. Second point, 12 inches make a foot. जो foot है वो एक 12 inches का group है. यानी कि एक group को हमने एक नाम दिया है, same group, same inches के group को हमने एक नाम दिया है foot.
तो हमारा फूड क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। इसीलिए हम कॉमन नाउन के आगे एज पर द रूल क्या लगाएंगे, कोई भी इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, यानी कि ए या एन, डिपेंडिंग अपॉन द कि साउंड कैसा आ रहा है वही वर्ड में। सेकेंड रूल इज इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगल काउंटेबल नाउन। जहां भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं वहां पर भी हम इनडेफिनेट का यूज करेंगे। जैसे कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कौन से होते हैं जिनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, यानी कि जब हम बहुत सरप्राइज होते हैं, बहुत शॉक्ड होते हैं, बहुत खुश होते हैं या बहुत दुख होते हैं, वहां पर हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जो कि कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस में हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे वाटर शॉट। वाटर शॉट यानी कि हम वो शॉट देख के एकदम खुश हो गए कि वाओ कितना अच्छा शॉट उसने दिया है, तो हमने शॉट के आगे ए लगाया क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बिलोंग करता है। सेम इज दी सेकेंड एग्जाम्पल वॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप एक गर्ल की ब्यूटी को देख के बिल्कुल इंस्पायर हो गए हैं, बहुत अमेज हो गए हैं उसकी ब्यूटी को देख के, इसीलिए आपने वहां पे इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। थर्ड पॉइंट इज इन द सेंस ऑफ ईच एवरी और पर। जहां भी हमें लगता है कि हमें ईच एवरी और पर यूज करने की जरूरत है, यानी कि हर प्रत्येक या हर एक दिन, ऐसे जितने भी सेंटेंस आते हैं जिसमें हर एक दिन या प्रत्येक ऐसा कुछ लगता है, तो वहां पर भी आप इंडेफिनेट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ही स्टडीज फॉर 2 hours अ डे, यानी कि वो हर दिन में 2 घंटा पढ़ता है। तो हर दिन जब हमने देखा वहां पे हमने ए डे लगाया, 2 hours अ डे, जो कि एक इंडेफिनेट आर्टिकल है। सेम इन द सेकेंड एग्जाम्पल द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन 2 times a day, यानी कि दो बार लेनी है उसे, एक दिन में 2 बार। तो हर एक जहां पे भी प्रत्येक हर एक ये सब आएगा, उस सेंस में भी आप इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो हम बिल्कुल निश्चित चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल स्पेसिफिक है, हम रैंडमली उन चीजों के बारे में बात नहीं करते, वो पर्टिकुलर होती है अपने आप में। तो ऐसे आर्टिकल्स को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, जो कि हमारा एक है दैट इज द। तो उसका एज पर रूल क्या है वो देखते हैं। When we speak of particular person, thing or one already referred to, हम आर्टिकल द का यूज वहां करेंगे, ऐसे सेंटेंस में करेंगे जो हमने ऑलरेडी बात कहीं मेंशन की थी और फिर हम उसे दोबारा कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी शॉप पर गए, वहां आपने एक बुक के लिए पूछा, वो उस टाइम पे वहां पे अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आप सेकेंड टाइम वहीं पर जाते हैं तो वो शॉपकीपर आपको बोलता है कि जिस बुक के बारे में आपने बात की वो अब अवेलेबल है। सेम इज इन आवर एग्जाम्पल द बुक यू मेंशन इज नाउ अवेलेबल। जिस बुक की तुम बात कर रहे थे वो अब अवेलेबल है, यानी कि उस बुक के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, जिस बुक की बात वो अब कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर द का यूज किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड रूल, बिफोर द नेम्स ऑफ फिजिकल फीचर्स इन द ज्योग्राफी। अब हमारे जितने भी ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ पे जितने भी फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं हमारे, जैसे माउंटेन है, हमारी नदियां हैं, ये सब इनके नाम के आगे भी हम द लगाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं द हिमालयाज, द गंगाज, तो इन सब के नाम के आगे अभी हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल। थर्ड पॉइंट है हमारा बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, डायरेक्शन एंड थिंग यूनिक और वन ऑफ देयर ओन काइंड। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी यूनिवर्स गैलेक्सी में जितनी भी बॉडीज होती हैं, हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं या फिर ऐसी कोई चीज जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, जैसे कि हमारा सन मून अर्थ है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही है, अब दो अर्थ तो नहीं है, दो मून तो नहीं है, दो सन तो नहीं है, तो दे आर यूनिक ऑफ देयर ओन काइंड। इसीलिए हम ऐसे वर्ड्स के आगे भी क्या लगा सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द नॉर्थ। रूल इज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक गिटार, वायलिन, कोंगो, बोंगो, तबला, ये सब के आगे भी हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, आई कैन प्ले द वायलिन वेरी वेल, यानी कि मैं वायलिन बहुत अच्छे से बजा सकता हूँ। तो वायलिन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए हमने इसके आगे डा का यूज किया है। सेकेंड इज शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गिटार। अगेन यहाँ पे गिटार की बात हो रही है जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर भी गिटार के आगे द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट इज बिफोर हिस्टोरिक इवेंट। अब हमारे जितने भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुए थे, वेदर इट इज वर्ल्ड वॉर और एनी रिवॉल्ट और एनी मूवमेंट, उन सब के आगे भी हम क्या लगाएंगे, डा लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट है हमारा जो हिस्टोरिकल इवेंट है, हमारे हिस्ट्री में अभी हुआ था, हमने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा, तो वहां पे हमेशा जब भी क्विट इंडिया की बात आएगी तो आप डा लगाएंगे उसके आगे। ऐसे ही हमारा 1857 का रिवॉल्ट है, जैसे कि
तो इसीलिए हमने उसके आगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द लगाया है, यानी कि एक डेफिनेट आर्टिकल लगाया है. नेक्स्ट रूल इज बिफोर टर्म डिनोटिंग नेशनलिटी कम्युनिटी एंड कास्ट. जब भी हम किसी नेशनैलिटी की बात करते हैं, जैसे वो इंडियन है, यूरोपियन है और एनी अदर नेशनैलिटी या कोई भी कम्युनिटी कास्ट, ऐसे कम्युनिटी नेशनैलिटी के नाम के आगे भी हम द का यूज करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में मैंशनड है द ऑस्ट्रेलियन और द इंडियंस. नेक्स्ट रूल इज बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल बुक न्यूज पेपर मैगजीन. अब जितनी भी बुक्स होती है, मैगजीन्स होती है या हमारी जो धर्म ग्रंथ की बुक्स होती है, उनके नाम के आगे भी हम डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में मैंशन है बाइबल के आगे भी हमने डेफिनेट आर्टिकल का नाम किया है जो कि एक रिलीजियस बुक है. ऐसे ही इंडिया टूडे के आगे भी हमने द का यूज किया है जो कि एक न्यूज पेपर का नाम है. नेक्स्ट इज बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी. हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं उनके नाम के आगे भी हम लोग द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में ऑलरेडी मैंशन है अ स्टोन स्ट्रक हिम ऑन द हेड. उसको स्टोन ने उसके हेड पे स्ट्रक किया है, उसके हेड पे आ गया एक स्टोन लगा. तो यहाँ पे हेड एक बॉडी पार्ट है, इसीलिए वहां पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया. लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल. अब ये आर्टिकल हमें कहाँ कहाँ यूज नहीं करने हैं. पहला, बिफोर प्रॉपर नाउन. जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्सन प्लेस और थिंग. तो जितने भी प्रॉपर नाउन होती है उनके आगे हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है. जैसे कि द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इट्स टोटली रॉन्ग बिकॉज न्यू दिल्ली इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ सिटी. सो यहाँ पर हम द का यूज नहीं करेंगे. उसको करेक्ट करके सेकेंड लाइन में लिखा गया है न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया. हियर द इज ओमिटेड फ्रॉम द सेंटेंस. सेकेंड इज बिफोर मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जितनी भी मटीरियल नाउन होती है और जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उनके आगे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. जैसे कि द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ द ब्रिक. हेयर ब्रिक इज अ मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी मटीरियल होते हैं जिनसे हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे कि आयरन है हमारा, लोहा, गोल्ड, कॉपर, इन सब के आगे हम लोगों को आर्टिकल का यूज नहीं करना है. तो सेकंड में इसको ओमिट करके लिखा गया है द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक, यानी कि द को ब्रिक के आगे से हटा दिया गया है क्योंकि ब्रिक एक मटीरियल नाउन था. ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी भावनाएं होती है, लव, अफेक्शन, हेट, एनीथिंग इट कैन बी. बट हेयर इज एन एक्सेप्शन. अगर मटीरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक स्पेसिफिक केस में यूज किया गया है, जैसे कि कोई चीज कहीं की फेमस होती है, तब अगर हम उसे बता रहे हैं तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे. जैसे कि द स्टोन ऑफ कोटा इज अ गुड क्वालिटी, यानी कि कोटा का जो स्टोन है वो बहुत ही गुड क्वालिटी का है, तो वो वहां का फेमस है, वहां के स्टोन जैसा कोई और नहीं है, तो वो एक स्पेसिफिक केस हो गया. इसीलिए हमने वहां पे मटीरियल नाउन के आगे द यानी कि आर्टिकल का यूज किया है. जस्ट बिफोर द नाउन ऑफ फॉलोइंग काइंड ऑफ. व्हाट अ काइंड ऑफ पर्सन यू आर. जहां भी हम काइंड ऑफ का यूज करेंगे वहां पर भी हम कोई भी डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. जैसे कि पहले सेंटेंस में लिखा है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. हियर ए इज एडेड आफ्टर काइंड ऑफ, लेकिन एज पर द रूल हमें बताया गया है कि काइंड ऑफ के सेंटेंस में कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज बिफोर द नाउन फॉलोइंग काइंड ऑफ. जिस भी सेंटेंस में हम काइंड ऑफ का यूज करेंगे वहां हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर, इट्स टोटली रॉन्ग बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग हमें ऐसे सेंटेंस में जहां हम काइंड ऑफ का यूज करें वहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है. इसीलिए हम यहाँ पे एक ए को ऑमिट कर देंगे जो कि करेक्ट करके क्या हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. नेक्स्ट इज बिफोर काउंटेबल नाउन. अब जितनी भी हमारी काउंटेबल नाउन होती है उनके आगे हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन जितनी भी हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है उनके आगे हम लोग ऑमिट कर देंगे आर्टिकल्स को. काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते. जो जिन्हें हम नहीं गिन सकते हम उसे उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. जैसे कि ही गेव मी एडवाइस, वी कैन नॉट से ही गेव मी ए एडवाइस एंड एडवाइस द एडवाइस बिकॉज एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है. इसीलिए हम उसके आगे किसी भी टाइप के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज बिफोर नेम ऑफ डिजीज. किसी भी डिजीज के नाम के आगे भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते. अब डिजीज कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट्स मे बी एड्स, कैंसर और मम्स, एनी डिजीज.
For an example, AIDS can be prevented using safety measure. So AIDS is a name of disease. So इसके आगे हम article का use नहीं करेंगे. Same is in the second example about cancer. Cancer is also a disease. इसके आगे भी हम लोग किसी भी article का use नहीं करेंगे. Next is before regular meal except when preceded by an adjective. Adjective means when it is telling the quality about your meal. Whether it was a good meal, bad meal, or quality can be of any kind, tasty, delicious. तो जब तक वो adjective से proceed, उसके आगे कोई adjective नहीं लगा है, तब तक हम उसके आगे कोई article का use नहीं करेंगे. और कोई भी meal हो चाहे वो lunch है, dinner है, breakfast है, उनके आगे हम किसी के भी आगे article का use नहीं करेंगे. जैसे कि example में है, I usually take breakfast at 9 o'clock. यहाँ पे हमने breakfast के आगे किसी भी तरीके के article का use नहीं करा है. सेम इन सेकेंड एग्जाम्पल डिनर, डिनर के आगे भी हमने किसी भी तरीके के आर्टिकल का यूज नहीं किया है. नाउ वी आर हैविंग आवर मोस्ट अवेटेड पार्ट, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, डैश बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेन डैश की चेन. अब यहाँ पर वो बात हो रही है जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं. और ऐसे में कौन सा रूल लगता है जो मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल में बताया था कि ऐसी चीज जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं और उसके बाद में हम दोबारा बात करते हैं तो वहां पर एक डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द का यूज होगा. सो द बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेन्ड ए की चेन. बिफोर की इट विल कम ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है. सेकेंड इज, हैव यू फाउंड डैश पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे. यहाँ पर भी सेम वही बात हो रही है कि जो पर्स तुमने कल खोया था वो क्या वो तुम्हें मिल गया. तो यहाँ पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे. नाउ हियर कम्स आवर मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैश बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेन डैश की चेन. हियर व्हाट इज हैपनिंग, हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की थी. और डेफिनेट आर्टिकल के पहले ही रूल में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं वहां पर हम एक डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे. द बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेन ए की चेन, एंड बिफोर की चेन यू विल मेंशन ए बिकॉज की इज गिविंग ए कॉन्सोनेंट साउंड. सेकेंड इज, हैव यू फाउंड अ पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे. यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि जो तुमने कल पर्स खो दिया था क्या वो तुम्हें मिल गया है, यानी कि ऑलरेडी बात हो चुकी है उस पर्स के बारे में. तो यहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे. आई विल गो देयर इन डैश इवनिंग. जब भी हम किसी भी टाइम के या सीजन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. इट इज डैश मैटर ऑफ चांस. हेयर मैटर, मैटर हमें कैसी साउंड दे रहा है, वोवल की या कॉन्सोनेंट की? ये हमें एक कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, इसीलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वॉज इन्वाइटेड फॉर डैश डिनर. अभी हमने बात की थी कि कोई भी मील है, वेदर इट इज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उनके हमें आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. देयरफॉर देयर विल बी नो आर्टिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल. यूजफुल, यूजफुल हमें कैसी साउंड देगा, एक कॉन्सोनेंट की साउंड देगा, इसीलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे. नेक्स्ट इज, ही इज डैश एमए. अब हम एम ए को जब भी प्रोनाउंस करेंगे एम ए, तो हमें ए की साउंड सुनेगी जो कि एक वॉवल है, इसीलिए हम एम ए के आगे एन का यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली डैश कैन सेव आर कंट्री. ओनली डैश कैन सेव आर कंट्री, यहाँ पर हम जाएंगे ए हिटलर के साथ. अब ये क्यों जाएंगे, इसका भी एक रीजन है कि जब भी हम एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में चेंज करते हैं तो वहां पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, या तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं या फिर एक डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं. ये एक रूल था जो पहले मैंने शायद मेंशन नहीं किया था, बट जब भी हम एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन को एक एज अ कॉमन नाउन में चेंज करते हैं तब हम एक डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज उस वर्ड के आगे करते हैं. जैसे कि रोहन इज दी शेक्सपियर ऑफ आर क्लास, तो रोहन हमारी पूरी क्लास का एक शेक्सपियर है, तो हमने उस प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया. हेयर आर सम मोर क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. इन क्वेश्चन को आप एज अ
होमवर्क करिए, फुली रीड करके आप लोग इन सब का आंसर करने का ट्राई कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक कमेंट पढ़ के ज़रूर रिप्लाई करूँगी कि ये आंसर कैसे आया, और जो भी प्रॉब्लम है या कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तब तक स्टे सेफ, और मैं अगली वीडियो के साथ, फार मच बेटर वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूंगी, जिसमें मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।